गुड इवनिंग बच्चों, लास्ट टाइम वी डिस्कस एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड. ओके, इन दिस वीडियो वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड. सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन. ओके, एंड हियर थ्री क्वेश्चन. सो वी सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन एंड सेकेंड क्वेश्चन डू योर सेल्फ. दिस क्वेश्चन सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड फिफ्थ. तो सेकेंड क्वेश्चन जो है वो सेकंड के फिफ्थ जैसा है. ठीक है, तो ये आसानी से आप कर सकते हो कि एक तरफ लेना है, नंबर नंबर एक तरफ लेके आप उसको सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें एक्स अपॉन 5 प्लस 11 इक्वल टू 1/15. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. एक्स अपॉन 5 प्लस 11 इक्वल टू 1/15. तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 11 जो है ये नंबर, तो हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इस नंबर को हम साइड चेंज करेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे. तो ये प्लस का 11 है, दूसरी तरफ जाके क्या बनेगा, माइनस. तो x अपॉन 5 इक्वल, ये 11 उधर चला गया, तो 1/15 पहले लिखेंगे और ये पीछे जाएगा, तो प्लस का है तो उसके पीछे जाके क्या बना, माइनस 11. अब 11 का अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो क्या मान लिया हमने, अपॉन में 1 मान लिया. ठीक है, इसके बाद x अपॉन 5 तो रहेगा इक्वल. अब यहाँ पे ना 15 और 1 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हम इस तरह क्वेश्चन कर चुके हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, 15 आएगा. और 15 आया तो क्या करेंगे, 15 का डिवाइड 15 में, नीचे का डिवाइड नीचे से, और जो आंसर आता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर. तो 15 का डिवाइड 15 में तो 1 टाइम, और उस 1 का मल्टीप्लाई ऊपर के 1 से, तो 1 × 1 होता है, माइनस का माइनस. अब 1 का डिवाइड 15 में तो 15 टाइम, और जो हमारा 15 आंसर आया, 1 का डिवाइड 15 में तो 15 टाइम जाएगा, और ये 15 जो आंसर आया उसका मल्टीप्लाई ऊपर के 11 से, तो 165. ठीक है, आप ये भी समझ सकते हो कि यहाँ नीचे सेम नहीं है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या, तो 15 का इंटू 1 में तो 15 हमारा नीचे आ गया, और ऊपर होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1, और 15 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 11 से, तो 165. अब 5 बाय x/5 तो हमारे पास है इक्वल, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 165 में से 1 गया तो 164, लेकिन ग्रेटर नंबर के आगे माइनस है ना, बड़े नंबर के आगे माइनस है, तो माइनस का आंसर आएगा, तो माइनस 164 अपॉन 15. अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी, तो 5 हटाना है, तो ये 5 यहाँ पर क्या है, अपॉन में, तो ये जब अपॉन में है और साइड चेंज करेगा, तो अपॉन वाला जब भी दूसरी तरफ जाता है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये 5 मल्टीप्लाई में चले जाएँ, तो माइनस 164 अपॉन 15 इंटू, ये 5 मल्टीप्लाई में गए तो इंटू 5. अब यहाँ पे 5 से ये 15 कैंसिल होगा, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15. तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आया x इक्वल टू माइनस 164 अपॉन 3. तो ये हमारे x की वैल्यू आ गई, तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया. थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 12/7 ब्रैकेट x माइनस 5 इक्वल टू 24 प्लस 8x. इसको हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तो सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसमें लिखा है 12/7 ब्रैकेट में x माइनस 5 इक्वल टू 24 प्लस 8x. तो ये जो 7 अपॉन में है ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम. पहले क्या कर रहे हैं, हम जब ब्रैकेट के आगे कोई नंबर है तो वो ब्रैकेट के आगे का नंबर उस तरफ जा सकता है, क्योंकि ये ब्रैकेट पूरा जो है, ये ब्रैकेट पूरा वाला और ये जो नंबर है ये मल्टीप्लाई में, तो जब दो नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं, क्योंकि ये आगे का नंबर और ब्रैकेट पूरा मल्टीप्लाई में है ना, तो जब दो नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं तो एक नंबर उधर जा सकता है. तो ये हमने पूरा ब्रैकेट में ले लिया 24 प्लस 8x, और ये जो नंबर है वो पूरा उधर जा रहा है, तो हमें ना अपॉन वाले नंबर को ले जा रहे हैं, तो अपॉन वाला नंबर इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा, तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में. तो यहाँ पे बचेगा 12 और ब्रैकेट में x माइनस 5 इक्वल, और ये 7 अपॉन में गया है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, तो 7 इंटू ये पूरा हमने ब्रैकेट में लिख लिया 24 प्लस 8x. क्योंकि अगर हम ये ब्रैकेट में नहीं लिखते तो इसका मतलब क्या होता है, 7 डायरेक्ट 24 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता,
और एट एक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता और तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए पूरे को ब्रैकेट में लिखना कंपलसरी है ना, क्योंकि सेवन जब उधर से आएगा तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारी स्टेप बन गई। अब हम क्या करें, ब्रैकेट के बाहर जो अब भी कोई नंबर होता है तो उस ब्रैकेट के बाहर का नंबर का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर किया जाता है, ये तरीका है। तो 12 का x से मल्टीप्लाई तो 12x, माइनस का माइनस, अब 12 का 5 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 12 5 जो 60, ओके इक्वल 7 का मल्टीप्लाई हम 24 से करेंगे, तो 7 का मल्टीप्लाई 24 से किया तो 168, फिर प्लस का प्लस 7 का मल्टीप्लाई 8x से करेंगे तो 7 8 56, और x का x तो 7 का मल्टीप्लाई दोनों से करना है। अब एक्स एक्स एक तरफ और नंबर नंबर एक तरफ, तो 12x पहले से इधर है और 56x उधर है तो वो इधर आएंगे, तो ये प्लस का है तो उधर जाके काय का बनेगा, माइनस का, तो माइनस का 56 बच गया, माइनस 56x बन गया इक्वल नंबर नंबर एक तरफ, तो ये पहले से नंबर इसी तरफ है तो 168 है और उधर के जो 60 है माइनस के वो इधर आएंगे तो काय के बनेंगे, प्लस के बन गए। अब 56x में से 12x माइनस होगा तो माइनस करेंगे तो हमारा 44 आएगा और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस 44x आ गया इक्वल, वे दोनों प्लस हो रहे हैं, प्लस कर लिया तो 228 आया। इसके बाद ये जो है नंबर माइनस 44 ये मल्टीप्लाई में एक्स के साथ है तो ये दूसरी तरफ डिवाइड में आएगा, तो माइनस 44 डिवाइड में आ गया, फिर 2 से कट किया, 2 1 2 2 1 2 2 4 8 तो 114, 2 2 4 2 2 4 22, फिर 2 से कट किया, 2 1 2 2 1 2 और 2 5 10 एक बचा, 14 और 2 5 2 7 14 तो 57। अब x इक्वल टू ये माइनस है यहाँ पे है ना, तो ये माइनस 11 के साथ लग जाएगा, 11 के साथ क्योंकि माइनस है तो माइनस नीचे रहेगा। अब माइनस को हम चाहे नीचे लिखें चाहे ऊपर लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, एक जगह माइनस होता है तो एक जगह माइनस कहीं पर भी लिख सकते हैं, तो हमने माइनस को ऊपर ले लिया, नॉर्मली माइनस हम ऊपर लेते हैं तो माइनस ऊपर गया तो माइनस 57/11 ये हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे पास 9 क्वेश्चन है, 9 में से सिमिलर क्वेश्चन में से एक एक करेंगे, बाकी आप लोगों को होमवर्क में करना है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो फर्स्ट के सिमिलर क्वेश्चन है 8 वाला, तो फर्स्ट और 8 सिमिलर है तो हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं, 8 वाला आपको होमवर्क में करना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में हमारे पास एक्स प्लस एक्स बाई टू इक्वल टू 3 है, तो हम देख रहे हैं कि इक्वल के एक तरफ जो है दोनों एक्स वाले हैं ना, तो इनको हम सॉल्व करेंगे, तो इस एक्स के अपन में कुछ भी नहीं है तो क्या लिखा, 1 लिखा। अब नीचे 1 और 2 का एलसीएम लिया तो 2 आया। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं दोनों अलग अलग है तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे एक लंबी सी लाइन में एलसीएम आता है, तो 2 × 2 का 1 में तो 2 आ गया। अब इसका क्रॉस इंटू हो जाएगा, तो 2 का इंटू एक्स में हुआ तो 2x प्लस 1 का इंटू एक्स में हुआ तो एक्स, या फिर ऐसा भी कर सकते थे कि 1 का डिवाइड 2 में किया, 2 टाइम 2 का इंटू ऊपर के एक्स में तो 2x प्लस 2 का डिवाइड 2 में आंसर आया 1, 1 का इंटू एक्स में तो एक्स। तो जैसे भी आपको समझ में आए, एलसीएम के थ्रू समझ में आए तो एलसीएम से समझ लो और क्रॉस मल्टीप्लाई से समझ में आए तो क्रॉस मल्टीप्लाई से समझ लो, है ना। 1 का इंटू 2 में तो 2 नीचे आ गया और ऊपर हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हमारा 2x प्लस एक्स इक्वल टू क्या आया, 3। अब 2x में x प्लस होगा तो यहाँ x के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 मानते हैं, नॉर्मली 1 रहता है, कुछ भी नहीं रहता है तो 1, तो 1 और 2 कितना होगा, 3, और किसको प्लस किया, x वालों को, तो x आ गया, तो 3x अपॉन 2 इक्वल टू क्या है, 3। अब इस अपॉन के 2 को हटाना पड़ेगा, तो अपॉन का 2 है तो दूसरी तरफ किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 2 × 3 हो गया इक्वल, इधर 3x बचाओ 2 उधर चला गया, तो 3 × 2 करो या 2 × 3 करो, तो x इक्वल टू क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आया, 6, और ये 3 जो है वो अपॉन में आ गया, है ना। तो आप चाहो तो एक स्टेप यहाँ पर लिख सकते हो, आपकी एक स्टेप बन जाएगी 3x इक्वल टू
सिक्स, क्यों? क्योंकि जब हमारा 3x का 3x और 2 इंटू 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 6। अब ये 3 हटाना है क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, तो x की जब वैल्यू हमें निकालनी है तो ये 3 अपॉन में जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में x के साथ, किस में? मल्टीप्लाई में। तो 6/3, तो हमारा जो आंसर आना है, 3 का 3 से हमने कट कर दिया इसको, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x = 2 आंसर आ चुका है। तो बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन ये सेम है, तो इन दोनों में से हम एक करेंगे, थर्ड और फिफ्थ में से। तो हम कर रहे हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन, तो थर्ड वाला आपको होमवर्क में करना है, ठीक है? और बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो सिमिलर है, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स, सेवन और नाइन, ये क्वेश्चन सेम है, इनमें से हम एक करेंगे, ठीक है? तो फिलहाल हम फिफ्थ करते हैं, उसके बाद हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे और ये फोर वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग आपको करना है। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, 3 + x/4 + x/5 = 1। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारे पास है, 3 + x/4 + x/5 = 1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं नीचे सारे क्या हैं, अलग अलग है, 3, 4, 5, तो इनको हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमने ले लिया 3, 4, 5 का, तो सबसे पहले 2 से 3 का 3, 2 टाइम 4 का 2 टाइम और 5 का 5, फिर 2 से 3 का 3, 2 का 1 टाइम एंड 5 का 5, फिर 3 का 1 टाइम 1 और 5, फिर 5 का 1, 1, 1, तो एलसीएम 2 × 2 × 3 × 5, 2 से 2 = 4, 4 + 4 = 3 = 12, 12 + 5 = 60। तो 60 हमारा आंसर आया। तो हमने एक लंबी सी लाइन खींची और 60 नीचे लिया, एलसीएम लिया। अब प्रोसीजर जो बड़ी क्लास में इस्तेमाल करते हैं वही हम यहाँ पे करेंगे, थोड़ा इजी रहेगा, कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। नीचे जो नंबर है उसका डिवाइड एलसीएम में कर दो, तो 3 का डिवाइड एलसीएम 60 में करेंगे, तो 3 का डिवाइड जब हम 60 में करेंगे तो 20 टाइम जाएगा, 3 से 3 2 जा 6 एंड 0 तो 20 टाइम, और उस 20 जो आंसर आया उसका मल्टीप्लाई इसी के ऊपर वाले नंबर से करो, तो x से करें तो 20x आ गया, प्लस का प्लस, 4 का डिवाइड नीचे के 60 से करेंगे तो 15 टाइम जाएगा, और 15 का इंटू ऊपर के x से करेंगे तो 15x आ गया, प्लस का प्लस, 5 का डिवाइड 60 में करेंगे तो 12 टाइम जाएगा, और 12 का इंटू ऊपर के x से करेंगे, जो आंसर आया उसका ऊपर के x से करेंगे तो 12x आ गया = 1। अब ये 60 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये अपॉन में है, तो उधर जाके इंटू में जाएगा, तो 60 का इंटू 1 से हुआ तो 60, और ऊपर के तीनों प्लस में हैं तो हम प्लस कर देंगे, तो 20 + 15 = 35, 35 में प्लस 12 किया तो 47, और सभी x वाले हैं तो 47x = क्या है, 60, क्योंकि 60 का इंटू 1 में हो गया 60। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 47 किस में जाएगा, अपॉन में, क्योंकि ये x के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में, तो ये अपॉन में आया तो 60/47, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ चुका है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, रिमेनिंग क्वेश्चन इसी तरह का एक और है, थर्ड क्वेश्चन, वो आप होमवर्क में कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड हुआ, उसके बाद फोर्थ, सिक्स, सेवन्थ और नाइन्थ, ये सेम है, उसमें से हम 6 वाला कर रहे हैं अभी, और रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, 2x/5 - 3x/4 = 3/10, क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है 2x/5 - 3x/4 = 3/10। अब हम देख रहे हैं नीचे 5 और 4 है, तो नीचे 5 और 4 है तो इसका क्या होगा, एलसीएम होगा, तो इक्वल के इधर का जो एलएचएस है उसमें 4 और 5 का एलसीएम क्या हुआ, 20, ठीक है? तो ये ऐसे भी कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यहाँ पे केवल 2 ही है, अगर आपके पास 2 नंबर्स को प्लस माइनस करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो, 3 में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे 5 और 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो 20, और ऊपर जो होगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे जो होगा वो सीधा मल्टीप्लाई, ऊपर 4 का 2x में तो 8x, माइनस 5 का 3x में तो 15x,
और अगर आप एलसीएम के थ्रू समझना चाहते हो तो एलसीएम में क्या रहे हैं, फाइव और फोर का एलसीएम क्या आया, ट्वेंटी। अब फाइव का डिवाइड ट्वेंटी में करेंगे तो जाएगा फोर टाइम, और उस फोर जो आंसर आया उसका मल्टीप्लाई ऊपर के नंबर टू एक्स में करेंगे तो एट एक्स, माइनस फोर का डिवाइड ट्वेंटी में करेंगे तो फाइव टाइम जाएगा, फोर का डिवाइड जब ट्वेंटी में करेंगे तो फाइव आंसर आएगा, उस फाइव आंसर का ऊपर के थ्री एक्स में मल्टीप्लाई किया तो फिफ्टीन एक्स इक्वल थ्री बाई टेन, तो थ्री बाई टेन। तो सवाल को दोनों तरीके से कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी और एलसीएम से भी, है ना, जैसा आपको समझ में आ जाए वैसा। अब 15 में से 8x गया तो माइनस का 7x, क्योंकि ग्रेटर नंबर माइनस का है, माइनस तो करेंगे, और 15 माइनस का है तो माइनस का 7x अपॉन 20 इक्वल टू आ गया, आया है हमारे 3/10। अब इस x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो ये जो 20 है ये अपॉन में है तो ये उधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो माइनस 7x यहाँ पे बचा, और 23/10 इंटू मल्टीप्लाई 20 हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, तो से माइनस 7x इक्वल टू क्या बचा, 3 बचा, और 3 का इंटू किस में होगा, 2 में, तो 2 और 3 का इंटू हुआ तो क्या आया, 6, ठीक है। और ये माइनस 7 जो है ये मल्टीप्लाई में है तो ये अपॉन में आएगा, तो माइनस 7 अपॉन में आ गया, तो 6/-7 ये आपका आंसर आ चुका है। अगर आप इस आंसर को -6/7 भी लिखोगे तो भी राइट माना जाएगा, माइनस ऊपर भी लगा सकते हो नीचे भी लगा सकते हो लेकिन आंसर माइनस में आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो आप सवाल करें, होमवर्क में फेयर वर्क कम्प्लीट करें, पढ़ाई करते रहें, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।